डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने डिस्पेप्सिया, फूड पॉइजनिंग और ओबेसिटी को देखा था. आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और डिजीजेज और डिसऑर्डर्स को आज के लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास आज का डिसऑर्डर है वो क्या है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, ये बेसिकली एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और ये पाई जाती है मोस्टली टीनेज गर्ल्स में या 12 to 21 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर मोस्टली ये डिज़ीज़ पाई जाती है. इसके अंदर होता क्या है, होता ये है बेसिकली कि ऐसे पेशेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा फील करते हैं या उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो गए हैं और उस वजह से उनकी जो भूख है वो बहुत कम हो जाती है, या उनको ऐसा ख़तरा होता है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा मोटे ना हो जाएं और उसकी वजह से उनकी जो अपनी नॉर्मल भूख है, एपेटाइट है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उनके जो वेट है वो इतना गिर जाता है एक ख़तरनाक हद तक, उनका वज़न जो है वो कम होता जाता है. ऐसे पेशेंट्स खुद ही खाना खाने से इनकार कर देते हैं और उनको लगता है कि अगर वो खाना खाएंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे. तो सिम्टम्स में हमने क्या देखा, सिम्टम्स में हमने कहा कि पेशेंट जो है उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, और वो खाना खाने से अक्सर इनकार कर देते हैं, दे रिफ्यूज टू ईट, और उनका वेट जो है वो कम होता जाएगा और एक ख़तरनाक हद तक उनका जो वज़न है वो कम हो जाएगा. ये कब होता है, ये मोस्टली जैसे कि मैंने कहा कि गर्ल्स के अंदर पाया जाता है, 12 to 21 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम मोस्टली पाया जाता है, और ये तब होता है जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज में आती हैं, प्यूबर्टी, ठीक है, यानी कि जब वो बालिग होने लगती हैं, 12 to 14 ईयर की जो एज होती है उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, बॉडी की शेप और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है. तो उसमें ये होता है कि उनको लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगी हैं, ठीक है. तो पेशेंट्स इस केस में क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडी साइज़ को या अपने वेट को ओवर एस्टिमेट करते हैं, पेशेंट्स ओवर एस्टिमेट their body, और वो साइकोलॉजिकली क्योंकि इमेच्योर होते हैं, वो फेज इस किस्म का होता है कि उनको लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लग गए हैं और वो चाहते ये हैं कि क्योंकि वो बचपन से जिस तरह की एनवायरनमेंट में होते हुए आए हैं, उनको उनका दिल ये चाहता है कि वो वैसे ही रहें, वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है. और वो क्या चाहते हैं कि जो फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स एकदम से आ गए, क्योंकि हमने गर्ल्स की जहाँ बात की तो फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं वो ना आएँ, और वो एक चाइल्ड लाइक स्टेट में रहना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि शायद वो सेफ हैं उस स्टेट में. इसकी डिफरेंट तरह की साइकोथेरेपी वगैरह इसके लिए की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, और अगर वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है या पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली भी फूड जो है वो बॉडी के अंदर डाली जाती है, वेन्स वगैरह के थ्रू डाली जाती है, मसल्स के थ्रू डाली जाती है, और उसका जो रिकवरी का प्रोसेस है ओवरऑल बहुत स्लो होता है, स्लो बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें पेशेंट को मनाना और उसको ये बात एक्सेप्ट करवाना कि ये सब कुछ नॉर्मल है तकरीबन 2 से 4 साल भी इसमें लग सकते हैं. तो ये हमने देख लिया एनोरेक्सिया नर्वोसा को. इसी से मिलती जुलती एक और बीमारी भी है जो कहलाती है बुलिमिया नर्वोसा. ये क्या है, बुलिमिया नर्वोसा बेसिकली जो है ये स्लाइटली जो ओल्डर गर्ल्स हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी एनोरेक्सिया नर्वोसा की, हमने कहा कि टीनेज गर्ल्स या 12 to 21 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाएगी, जबकि बुलिमिया नर्वोसा जो है ये हम कह सकते हैं कि 30s या 40s में जो वेमेन हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम या ये डिसऑर्डर पाया जा सकता है, और ये भी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर ही है. इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैट्स वाला फूड जो है वो खा लेते हैं, ठीक है, दे ईट फैटी फूड,
फैटी और लेविश किस्म का वो खाना खाते हैं, जिसमें क्रीमी केक्स हो सकते हैं, फ्राइड फूड हो सकता है, या मीट हो सकता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, या तली हुई चीज़ें खा लेंगे. और जब वो ऐसे बहुत ज़्यादा खाना खा चुकते हैं तो उनको लगता है कि अब हम, क्योंकि वेट गेन करने लगे हैं, हमने इतना ज़्यादा कुछ इस तरह का खा लिया है, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर भूखा रहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. या तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होते हैं उनमें. सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग क्या है कि वो खुद ब खुद जो है वो जो भी खाना उन्होंने खाया होता है वो उसको उल्टी करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को भूखा रखते हैं, या फिर रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, यानी अपने पेट को खाली रखेंगे ज़्यादा अरसे के लिए, ताकि वो जो भी उन्होंने ज़्यादा खाना खाया हुआ है वो बैलेंस हो सके. लेकिन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जब हम खुद ही से वॉमिट करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, ठीक है. उससे अगर, जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और कुछ सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो जब वॉमिटिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट के जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस उस बॉडी में हो जाएगा. इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं. ये बॉडी जो है वो ससेप्टेबल हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए. थोड़ी सी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बॉडी के अंदर जाके आसानी से इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं. तो इस तरह के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं. इसके ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसका, जैसे कि हमने बात की कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की ट्रीटमेंट एक प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट है, लंबा ट्रीटमेंट है. इसी तरह बुलिमिया नर्वोसा के लिए भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा ट्रीटमेंट होता है, और अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ट्रीटमेंट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर. और इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो इनिशियली जो मेल न्यूट्रिशन या वेट लॉस के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ओवरकम किया जाता है, और उसके बाद जाके जो भी इस प्रॉब्लम या बुलिमिया नर्वोसा से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं फिर उनको डील किया जाता है. तो क्या कहा हमने? एक तो हमने ये कहा कि प्रोलॉन्ग्ड होगा, लंबा ट्रीटमेंट होगा इसका. दूसरा क्या है कि स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ये ट्रीटमेंट किया जाता है. और तीसरी बात हमने ये की है कि इनिशियली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि वो मैल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स को या फिर वेट लॉस के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, वेट लॉस एक्सेट्रा. तो ये हमने देख लिया बुलिमिया नर्वोसा. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है या डिजीज़ है वो है पाइल्स. पाइल्स जो है ये, इसे हम उर्दू में बवासीर भी कहते हैं, या इसको हेमरॉइड भी कहा जाता है. हेमरॉइड्स इसमें होता क्या है? बेसिकली ये वो बीमारी है जिसके अंदर हमारे ये रेक्टम की, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम और एनस, ठीक है, वहाँ पे ये बीमारी होती है. और होता ये है कि वहाँ पे जो वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ये सूज जाती हैं वहाँ की वेन्स, और इतनी ज़्यादा फूल जाती हैं कि उनकी वजह से पेन और इरिटेशन कॉज होती है, या फिर बर्निंग कॉज होती है, ठीक है. और समटाइम्स ऐसे होता है कि जो वेन्स हैं इन ये बर्स्ट हो जाती हैं, ठीक है, फट जाती हैं, और उनके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. और इसके जो एक्सट्रीम केस है उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होती है, और वेन्स भी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होने लगती है कि बॉडी के अंदर से जो ब्लड है वो कम होने लगता है. तो क्या हमने बात की? हमने कहा कि स्वेल्ड वेन्स होंगी, और जब ये इनका एक्सट्रीम केस इनका ये होगा कि वो वेन्स जो है वो बर्स्ट कर देंगी और वो ब्लीडिंग कॉज करेंगी. दो तरह के पाइल्स की दो फॉर्म्स होती हैं. एक हम कहते हैं कि ब्लीडिंग पाइल, जिसको हम खूनी बवासीर भी कहते हैं, और दूसरी जो है, दूसरी टाइप, उसमें ये होता है कि सिर्फ सूजन होती है या स्वेलिंग होती है लेकिन इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है. अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे कि हमने कहा कि वेन्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इस स्वेलिंग को पेशेंट जो है वो फील कर सकता है. स्वेल्ड वेन्स होंगे उसकी, और ये जो स्वेल्ड वेन्स हैं ये पेन कॉज करेंगी, और ये पेन वैसे भी होगा, और ड्यूरिंग डेफिकेशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा. इसके अलावा जब, अगर हमारे पास ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो उसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी
बहुत ज़्यादा फ्रॉम वेंस। इसके अलावा हमने कहा था कि इरिटेशन होती है पेशेंट्स को और बर्निंग फीलिंग आती है, बर्निंग। ठीक है, तो ये हमने कुछ सिम्टम्स को देख लिया। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या वजह है कि लोगों को पाइल्स क्यों हो जाते हैं। कॉजेज में सबसे पहली जो कॉज है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेविश फूड लेते हैं, और जैसे कि लेविश फूड के अंदर मीट आ जाता है, मीट की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं या पोटैटोज ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह खाना खा के वो सो जाते हैं या ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उन पेशेंट्स में पाइल्स के होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, इसकी एक बहुत बड़ी कॉज है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज़ कहते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन हो उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाता है। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ट्रीटमेंट या थेरेपी वगैरह जो इसके लिए यूज़ की जाती है। पाइल्स की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली जो नेचुरल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं वो ये है कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और फूड सॉफ्टनर्स इस्तेमाल करें। फूड सॉफ्टनर्स क्या हैं? फूड सॉफ्टनर्स में हमारे पास रफेज आ जाते हैं, रफेज जिसे अक्सर कहा जाता है इसबगोल का छिलका खाना चाहिए, या इस किस्म के जो हमारे देसी टोटके हैं उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है पाइल्स के केस में। इसके अलावा पेशेंट को कहा जाता है कि वो हार्ड सर्फेसिस पे ना बैठे, डोंट सेट ऑन हार्ड सर्फेस, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी का इंटेक रखे और अवॉइड करे कॉन्स्टिपेशन को, कॉन्स्टिपेशन, और हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट जो है वो तमाम बीमारियों का इलाज है। हेल्दी डाइट से आप ना सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि जब अगर कोई बीमारी आपको हो भी जाती है तो आप उससे ठीक भी जल्दी होते हैं। और हेल्दी डाइट में पाइल्स के केस में किस किस्म की डाइट चाहिए, पाइल्स के केस में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसको बल्कि हम ऐसे करते हैं कि मेंशन भी करते जाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वार्म मिल्क, गर्म दूध जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब वेजिटेबल में स्पेसिफ़िकली अगर हम देखें तो स्पिनच, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। वो तमाम सब्ज़ियाँ जिनमें ग्रीन पत्ते होते हैं, ठीक है, वो सब्ज़ियाँ हेल्पफुल होती हैं पाइल्स के लिए। इसी तरह अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो एप्पल, सेब, वो भी छिलके समेत अगर हम सेब खाएँ वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा ग्वावा, अमरूद, और अमरूद को भी बीज समेत खाया जाए तो वो हेल्पफुल होता है। इसी तरह पल्सेस हैं हमारे पास, दालें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली ग्राम चने जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं पाइल्स के केस में। तो ये हमने देख लिया पाइल्स के ट्रीटमेंट को। पाइल्स का जो एक्सट्रीम केस है, जब बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई कंडीशन होती है, उसमें पाइल्स के लिए सर्जरी भी की जाती है। और सर्जरी में किया क्या जाता है कि जो वेंस हैं जो बहुत ज़्यादा स्वेल हुई हुई हैं फिर उनको अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया पाइल्स को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है या डिज़ीज़ है वो है अल्सर। अल्सर को हम इंटरनल वूंड भी कहते हैं, इंटरनल वूंड, और वूंड किसे कहते हैं, ज़ख़म को। ठीक है, इंटरनल वूंड का मतलब है कि जिस्म के अंदर कोई अंदरूनी ज़ख़म है। अब जब कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़े हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्पेसिफिकली स्टमक और स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर समटाइम्स कुछ ज़ख़म हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं, वो है अल्सर। अब ये ज़ख़म कैसे हो जाते हैं, हमने जब अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था तो हमने देखा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो उसकी इनर वॉल होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो उसकी इनर वॉल है, अंदर की साइड की जो वॉल है उसमें म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमने कहा था कि वो प्रोटेक्ट करता है इसकी वॉल को फ्रॉम डिफरेंट एंजाइम्स, फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, तो म्यूकस का क्या हमने मेंशन किया कि वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंजाइम्स। ठीक है, अब ये जो म्यूकस लेयर है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या तो म्यूकस सिक्रीट ही ना हो और या फिर ये जो वॉल है ये ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो एंजाइम्स हैं इनकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे मेंशन भी कर देते हैं कि इफ़
म्यूकस लेयर ब्रेक अगर वो टूट जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ हमारे जो स्टमक की या हमारे इसोफेगस की या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है इंटरनल दीवार है वो उसको भी डाइजेस्ट करने लगेगी. ठीक है, दे विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द स्टमक वॉल एंजाइम्स. हम कहेंगे कि वो खाना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, या उसको भी डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं. वॉल ऑफ स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में. और इसके रिजल्ट में होता क्या है कि एक जख्म बन जाता है. ठीक है, इसके रिजल्ट में हमने कहा कि क्या प्रोड्यूस होता है, अल्सर. अब अल्सर जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. अल्सर में ऐसे भी हो सकता है कि एक छोटा सा जख्म बन जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक ये जो अल्सर है ये ग्रो करता करता परफोरेटेड स्टेट में आ जाए. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि एक सुराख बन जाए. ठीक है, समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि वो ज़ख्म जो हमारे स्टमक के अंदर हुआ था या ड्यूडेनम के अंदर हुआ था वो बढ़ता बढ़ता इतनी बुरी कंडीशन में आ जाए कि वो उसके अंदर एक परफोरेशन हो जाए या एक सुराख हो जाए. इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टमक के अंदर यहाँ ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर नज़र आ रहा है. पेप्टिक का मतलब है कि स्टमक के अंदर अल्सर है. ठीक है, और आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि एक सुराख हो चुका है और उसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो ये एक बुरी कंडीशन है अल्सर की जो कि स्टमक के अंदर पाई जा सकती है. अब इस केस में आप देख सकते हैं क्योंकि होल हो गया है, एक सुराख हो गया इसके अंदर, तो होता यह है कि हमारे जो स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो इस सुराख के थ्रू हमारे जो एब्डोमेन है वहाँ पे चला जाता है. ठीक है, जो कंटेंट है वो स्पिल हो जाता है एब्डोमेन के अंदर और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. और वो इन्फेक्शन जो है अगर उसका कोई ख्याल ना रखा जाए तो वो इन्फेक्शन फेटल भी हो सकता है, यानी कि हमारी मौत भी वाकई हो सकती है. तो इसके लिए इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है. इसके अगर हम कॉजेटिव एजेंट्स को देखें कि ये जो अल्सर है ये क्यों होता है, कॉजेज को अगर हम देखें तो कॉजेज में हमारे पास एक तो हमने देख लिया कि म्यूकस जो हमने यहाँ पे बात की थी कि म्यूकस की जो लेयर है वो ब्रेक हो जाए तो वो इसका एक बहुत बड़ा कॉज है. ठीक है, अब म्यूकस लेयर ब्रेक कब होती है, वो तब ब्रेक होती है जब हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाएं, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स. एसिड जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हों. इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि स्मोकिंग है या स्पाइसी फूड. इसके अलावा अल्कोहल, इसके अलावा टी या कॉफ़ी, कैफीन जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो भी इसकी एक रीज़न हो सकती है. इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है. और इसके अलावा कुछ मेडिसिन या ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्टमक के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथिक जितनी भी मेडिसिन हैं मोस्टली उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टमक के लिए होते हैं. और उसमें होता यह है कि स्टमक के अंदर कुछ केसेज में अल्सर हो जाता है, कुछ केसेज में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और अल्टीमेटली ये जो अल्सर है वो फिर बिगड़ने लगता है. और उन मेडिसिन में किस किस्म की मेडिसिन है, कुछ तो मेडिसिन जैसे कि हम एस्पिरिन की बात करते हैं या आइबुप्रोफेन, ये वो मेडिसिन हैं जो कि नॉर्मली हम जैसे ब्रूफेन है हम बुखार वगैरह के लिए ब्रूफेन को या दर्दों के लिए अक्सर ले लेते हैं, इसी तरह एस्पिरिन है या डिस्प्रिन की फॉर्म में अक्सर ये आती है, तो हम मोस्टली लोग इसका इंटेक करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं. तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. अच्छा, अब अगर किसी को अल्सर हो गया है तो उसको कैसे पता चलेगा, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे. अगर किसी को अल्सर है तो उसके जो इनिशियल सिम्टम्स होंगे उसके अंदर ये होगा कि उसको सीने में जलन महसूस हुआ करेगी, हार्ट बर्न्स, और ओकेजनल हार्ट बर्न्स भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है,
या नौजिया हो सकता है, यानी कि मतली या उल्टी वगैरह आ सकती है। इसके अलावा एक्सट्रीम केसेस में वेट लॉस होने लगता है और पेन रहता है, कांस्टेंट पेन रहता है अपर एब्डोमेन में, पेन इन अपर एब्डोमेन। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि उन पेशेंट्स के अंदर पाए जा सकते हैं जिनको अल्सर है। इसके अलावा जहाँ हमने कॉजेटिव एजेंट्स की बात की या कॉजेस की बात की, वहाँ पे एक और कॉज जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोराय, जिसे हम एच पाइलोराय भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है और उस इन्फेक्शन की वजह से अल्टीमेटली हमें अल्सर हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन। तो ये भी एक कॉजेटिव एजेंट है अल्सर का। तो ये हमने देख ली डिफरेंट डिजीजेस। थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं कि आज की जो हमने डिजीजेज देखी हैं, डिसऑर्डर्स देखे, वो क्या क्या थे। सबसे पहले हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात की, हमने कहा कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि गर्ल्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है। इसके बाद फिर हमने बुलिमिया नर्वोसा की बात की और हमने कहा कि ये भी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद फिर हमने पाइल्स की बात की, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, हीमोरॉयड भी कहते हैं। इसके हमने सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट वगैरह को देखा। फिर उसके बाद हमने अल्सर की बात की और अल्सर के भी हमने इसी तरह कॉजेटिव एजेंट्स को देखा और फिर उसके बाद हमने उसके सिम्टम्स को देख लिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।